सिनेमा स्क्रीन पर सितारों की तरह चमकना कौन नहीं चाहता। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो बनना तो कुछ और चाहते थे पर किस्मत उन्हें यहाँ मायानगरी में ले आई। इन्हीं सितारों में से एक हैं दीपिका पादुकोण, जो बनना तो कुछ और चाहती थी लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें सिनेमा स्क्रीन का चमकता सितारा बना दिया। दीपिका ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बातें भी कही हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह आज बॉलीवुड के ऐसे कपल हैं जिनकी सब मिसालें देते हैं। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर भी करते हैं, लेकिन हर पति और पत्नी की तरह इनके बीच में भी कुछ शरारतें और खटपट होती रहती हैं। दीपिका को पति रणवीर की कुछ आदतें पसंद नहीं हैं, तो वहीं रणवीर को भी दीपिका की कुछ आदतों पर एतराज रहता है। दीपिका ने अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में ये बात शेयर की थी कि वो रणवीर की एक आदत से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब जानते हैं रणवीर की वो आदत आखिर है क्या। वो आदत है रणवीर के जल्दी खाना खाने की। दीपिका के मुताबिक रणवीर टेबल पर बैठते ही इतनी जल्दी से खाना खा लेते हैं कि वो अकेली रह जाती हैं। दीपिका जब तक दो बाइट खाती हैं तब तक रणवीर खाना खा लेते हैं। दीपिका रणवीर की इस आदत को बदलना चाहती हैं, तो वहीं रणवीर भी दीपिका की एक आदत से बेहद ही परेशान है और वो है घर में दीपिका का अनुशासन। अपना 37वां जन्मदिन मना रही दीपिका पादुकोण का शुमार आज न सिर्फ बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में होता है बल्कि वो एक बड़ी बिजनेस आइकॉन भी बन चुकी हैं। 2007 में रिलीज हुई ओम शांति ओम की कामयाबी के बाद से ही दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीपिका ने ओम शांति ओम फिल्म कैसे मिली और कैसे उन्होंने शाहरुख खान के साथ नर्वस होने के बावजूद काम किया, इसका खुलासा भी वो कई बार अपने इंटरव्यूज में कर चुकी हैं। खैर, अगर बात दीपिका की आने वाली फिल्मों की करें तो उनकी शाहरुख खान के साथ आने वाली फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिसके गाने को लेकर काफी विरोध हो रहा है। अब देखना यह है कि यह फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों को कितनी पसंद आती है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें डायरीज़।